तुम शिफा के कामों कफने से ना ढकना, मैं देखूंगा जाते ही चेहरा नबी का। किदरे मुस्तफा की हसी जालियों में, दरे मुस्तफा की हसी जालियों में, दरे मुस्तफा की हसी जालियों में, तेरे मुस्तफा के, तेरे मुस्तफा की हसी जालियों में है रोजे के पुरनू, पलट आया हूँ मैं मदीने से लेकिन, पलट आया हूँ मैं मदीने से लेकिन, अरे रखी रह गई है मदीने में आँखें। वाह भाई अशफाक जिंदाबाद। पलट आया हूँ, नसीम सेठ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मौलाना अब्दुल नासिर साहब से, ये दोनों शख्सियतें स्टेज के करीब आ जाए या स्टेज पे आ जाए, नसीम भाई से और मौलाना अब्दुल नासिर साहब से। जी आता कर। पलट आया हूँ मैं मदीने से लेकिन, रखे रह गए है मदीने में आँखें, तेरे मुस्तफा के हसी जालियों में। एक आरजू, एक तमन्ना और एक गुजारिश आप तमामी हजरात से, मुजाहिद भाई ये आपके लिए, मेरे लिए और उन सब के लिए शेर पढ़ रहा हूँ जो अभी तक उस दर तक नहीं पहुँच पाए। हाजी नेमत साहब दामद बरकात, कहाँ है देख नहीं पा रहा हूँ, सर नीचे मत कीजिए, बस आप शेर सुनिए, सर ऊंचा रखिए हमेशा। इश्तियाक भाई बतौर खास शेर देखेगा। कि तरस खाओ कुछ तो, तरस खाओ कुछ तो मेरी बेबसी पर, सुनिएगा शेर। तरस खाओ कुछ तो मेरी बेबसी पर, अरे दिखा लाओ मुझको भी शहरे पयंबर, सिखा ओ कुछ तो मेरी बेबसी पे, अरे तारा सिखा ओ कुछ तो मेरी बेबसी पे, मेरी बेबसी पे, अरे दिखा लाओ मुझको साथ ले जाना मुमकिन नहीं हो, तो ले जाके रखे तो सफीने में आके, अरे बाबा 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 बाबा, मुमकिन नहीं हो, तो ले जाके रखे
मदी सफीने में आंखें दरे मुस्तफा की हंसी जालियों में। कभी वक्त रहा तो ये कलाम मैं इंशाल्लाह पूरा पढ़ूंगा, लेकिन मक्ता में पढ़ देता हूँ। इस कलाम का मक्ता सुन लीजिए बतौर खास, इसको मैंने शेर में ढालने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि तुम अशफाक का मुंह कफन से न ढकना। सुने दोस्तों क्या कैफियत है। तुम अशफाक का मुंह कफन से न ढकना, मैं देखूंगा जाते ही चेहरा नबी का। तुम अशफाक का मुंह कफन से न ढकना, अरे तुम शिफा के कामों कफन से न ढकना, मैं देखूंगा जाते ही चेहरा नबी का। है मुमकिन लहद में न खुले पाए चलते, हम मुमकिन लहते में न खुले पाए चलते, तो खुली रखना मेरी तफीने में आंखें। हम मुमकिन लहते में न खुले पाए चलते, उलमाए कराम मोहब्बत रसूल। अगला हाजिर करता हूं मुलायदा फरमाए के दिल ये कहता। सुने दोस्तों क्या तड़प है। दिल ये क्या कह दिया माइक में। दिल ये कहता, बहुत पतली आवाज हो गई। दिल ये कहता है कि अब अब के तैबा नहीं जाओ का तो मर जाऊंगा, अब के तैबा नहीं जाओ का तो मर जाऊंगा। दिल ये कहता बेस कम कर। अब एक शेर उसने मतलब बतौर खास बुलाया जाता है, बेस कम कर दो। कि हश्र के रोज भला और किधर जाऊंगा, हश्र के रोज हश्र के हश्र के रोज़ से भला
सरकार जिधर हो के उधर जा होगा दिल ये कहता। एक शेर और सुन लीजिए, उसके बाद शेर आखिर पढ़ के मक्ता पढ़ के बैठूंगा। मुलायदा फरमाए कि तेरा बंदा हूँ बुरा हूँ या भला जैसा भी मौला तेरा बंदा हूँ बुरा हूँ या भला जैसा भी सुन लीजिए बतौर खास मुलायदा फरमाए कि बेअदब हूँ बेअदब हूँ मैं कुछ आदाब सिखाओ मुझको सुभान अल्लाह के बेअदब हूँ मैं कुछ आदाब सिखाओ मुझको बेअदब हूँ मैं कुछ आदाब सिखाओ मुझको कैसे रहना है मदीने में बताओ मुझको बेअदब हूँ मैं कुछ आदाब सिखाओ मुझको कैसे रहना है मदीने में बताओ मुझको पाँव रखते हुए गुस्ताख न हो जाए कहें पाँव रखते हुए गुस्ताख न हो जाए कहें कैसे चलना है यहाँ चल के दिखाओ मुझको कैसे चलना है यहाँ चल के दिखाओ मुझको अरे खाके तैबा से लिपट जाऊंगा मैं जाते हैं खाके तैबा से लिपट जाऊंगा मैं जाते हैं फिर मुझे भी नहीं मालूम मैं किधर जाऊंगा फिर मुझे भी एक आखिरी शेर मक्ते का पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए कि अपने आका अपने आका से सुकूनत की इजाजत ले कर अपने आका से सुकूनत की इजाजत ले कर अपने आका से सुकूनत किए जा जते ले कर मैं भी अशफा मदी